Assalamu alaikum viewers, my name is Shari Seema. Welcome back with another video. This video is about 5 Marla residential plots in Lahore Smart City. इस वीडियो में मैं आपको लाहौर स्मार्ट सिटी में 5 Marla residential plot की old prices, new prices, dimension, size, development charges और location के बारे में बताऊंगा कि ये executive block में और overseas block में किस किस जगह पर located हैं. वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के बटन को भी टच कर दें ताकि आपको लाहौर स्मार्ट सिटी की रेगुलर अपडेट्स मिलती रहें. लाहौर स्मार्ट सिटी पाकिस्तान का दूसरा और लाहौर का पहला स्मार्ट सिटी बनने जा रहा है. अगर लाहौर स्मार्ट सिटी की लोकेशन की बात करें तो ये लाहौर की बहुत ही बेहतरीन लोकेशन पर वाकई है. लाहौर स्मार्ट सिटी लाहौर की 5 पब्लिक रोड से डायरेक्टली लिंक्ड है, जिनमें लाहौर बाईपास, N5GT रोड, लाहौर रिंग रोड, M11 लाहौर सियालकोट मोटरवे एंड M2 इस्लामाबाद मोटरवे आती हैं. लाहौर स्मार्ट सिटी की मैनेजमेंट ने अभी तक लाहौर स्मार्ट सिटी में 2 ब्लॉक्स लॉन्च किए हैं, एग्जीक्यूटिव ब्लॉक और ओवरसीज ब्लॉक. ओवरसीज ब्लॉक और एग्जीक्यूटिव ब्लॉक में सबसे छोटा प्लॉट 5 मरला रेजिडेंशियल प्लॉट है, जिसका साइज है 25x45 फीट फ्रंट, 45 फीट लेंथ. अगर 5 मरला रेजिडेंशियल प्लॉट की डायमेंशन की बात करें तो ये 125 स्क्वेयर यार्ड्स का प्लॉट है या फिर 125 गज का प्लॉट है. अगर लाहौर स्मार्ट सिटी में 5 मरला रेजिडेंशियल प्लॉट की करंट प्राइस की बात करें तो एग्जीक्यूटिव ब्लॉक में 5 मरला रेजिडेंशियल प्लॉट की प्राइस है 23,75,000 रुपये, बुकिंग से 2,37,500 से और क्वार्टरली इंस्टॉलमेंट 1,58,000 रुपये. अगर ओवरसीज ब्लॉक में 5 मरला रेजिडेंशियल प्लॉट की टोटल प्राइस की बात करें तो टोटल प्राइस है 25 लाख रुपये, बुकिंग से 2,50,000 रुपये से और क्वार्टरली इंस्टॉलमेंट 1,66,000 रुपये. 5 मरला का रेजिडेंशियल प्लॉट सोसाइटी की तरफ से 3 साल की ईजी इंस्टॉलमेंट्स पर दिया जा रहा है. आप सिर्फ 10% पेमेंट करके अपने प्लॉट की बुकिंग करवा सकते हैं. 1 माह बाद आप दोबारा 10% एज कन्फर्मेशन पे करेंगे और आपके प्लॉट की 20% पेमेंट कंप्लीट हो जाएगी. रिमेनिंग 80% पेमेंट आप 12 क्वार्टरली इंस्टॉलमेंट्स में पे करेंगे. अगर लाहौर स्मार्ट सिटी में प्री लॉन्च प्राइस की बात करें तो लाहौर स्मार्ट सिटी में जो सबसे पहले ही प्राइस लॉन्च हुई थी तब 5 मरला रेजिडेंशियल प्लॉट की कीमत थी 18 लाख रुपये एग्जीक्यूटिव ब्लॉक में और आज का रेट है 23,75,000 रुपये. टोटल जो डिफरेंस आता है ओल्ड प्राइस में और न्यू प्राइस में वो है 5,75,000 रुपये. 5 मरला का रेजिडेंशियल प्लॉट जब ओवरसीज ब्लॉक में लॉन्च हुआ था तब प्राइस थी 19 लाख रुपये, आज का रेट है 25 लाख रुपये. टोटल जो डिफरेंस आता है ओल्ड प्राइस में और न्यू प्राइस में वो है 6 लाख रुपये का. अगर लाहौर स्मार्ट सिटी में 5 मरला रेजिडेंशियल प्लॉट के डेवलपमेंट चार्जेस की बात करें तो सोसाइटी ने जो पेमेंट स्केड्यूल दिया है उसमें डेवलपमेंट चार्जेस इंक्लूडेड नहीं है, वो सिर्फ कॉस्ट ऑफ द लैंड है. आप में से बहुत से लोगों के माइंड में ये सवाल आ रहा होगा कि सोसाइटी ने अभी डेवलपमेंट चार्जेस क्यों अनाउंस नहीं किए. उसकी एक बेसिक सी रीज़न है कि सोसाइटी अभी नॉन डेवलप्ड है, सोसाइटी में डेवलपमेंट इनिशियल स्टेजेस पर है. एक चीज़ अभी तक डेवलप्ड ही नहीं हुई तो आप कैसे उसकी डेवलपमेंट कॉस्ट प्रेडिक्ट कर सकते हैं. आज से 2 साल बाद, 2.5 साल बाद जब सोसाइटी काफ़ी ब्लॉक्स डेवलप कर लेगी और पोजीशन देने की कंडीशन में आ जाएगी तब सोसाइटी अपने डेवलपमेंट चार्जेस अनाउंस करेगी. अगर लाहौर स्मार्ट सिटी में एक्सपेक्टेड डेवलपमेंट चार्जेस की बात करें तो ये 70,000 से लेकर 1 लाख रुपीज पर मरला डेवलपमेंट चार्जेस एक्सपेक्टेड है. इसकी बेसिक सी रीज़न ये है क्योंकि हबीब रफीक लिमिटेड का जो पहला प्रोजेक्ट था कैपिटल स्मार्ट सिटी इस्लामाबाद, वहाँ पर डेवलपमेंट चार्जेस 1,20,000 रुपये पर मरला है. लेकिन कैपिटल स्मार्ट सिटी इस्लामाबाद की लैंड में लाहौर स्मार्ट सिटी की लैंड में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है. कैपिटल स्मार्ट सिटी की लैंड पोटवा रीजन में आती है, जिसकी वजह से वहाँ पर लैंड की पहले कटिंग करनी पड़ती है, फिर लेवलिंग होती है और फिर डेवलपमेंट होती है, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा कॉस्ट आती है. इन कंपेरिजन लाहौर स्मार्ट सिटी की लैंड काफ़ी लेवल लैंड है, जिसकी वजह से डेवलपमेंट करना काफ़ी ईजी है और डेवलपमेंट कॉस्ट होती है वो काफ़ी ज़्यादा कम आती है. अगर लाहौर स्मार्ट सिटी में 5 मरला रेजिडेंशियल प्लॉट की लोकेशन की बात करें कि ये एग्जीक्यूटिव ब्लॉक में और ओवरसीज ब्लॉक में किस किस जगह पर लोकेटेड हैं, अभी आप अपनी स्क्रीन पर लाहौर स्मार्ट सिटी का प्रपोज मास्टर प्लान देख सकते हैं. ये मास्टर प्लान सुरबाना जोंग ने डिज़ाइन किया, जो कि एक सिंगापुर बेस्ड कंपनी है. ये प्रपोज मास्टर प्लान है, अगर इसको कॉन्सेप्चुअल मास्टर प्लान भी कहा जाए तो गलत नहीं होगा. इसमें चेंजेस बिल्कुल पॉसिबल हैं, विद द पैसेज ऑफ टाइम सोसाइटी इसमें चेंजेस कर सकती है. लेकिन अगर आज की डेट में बात करें कि 5 मरला रेजिडेंशियल प्लॉट्स कहाँ पर लोकेटेड है, तो ये जो रोड आपको नजर आ रही है ये लाहौर बाईपास है. इसके एडजेसेंट ओवरसीज ब्लॉक के लिए लैंड रिजर्व की गई है. यहाँ पर 5 मरला रेजिडेंशियल प्लॉट्स की कटिंग रखी गई है और ये जो ब्लू कलर का आपको बॉक्स नजर आ रहा है, यहाँ पर लाहौर स्मार्ट सिटी में कमर्शियल हब बनाया जाएगा. इसके एडजेसेंट ओवरसीज ब्लॉक है, वहाँ पर 5 मरला रेजिडेंशियल प्लॉट्स की कटिंग्स रखी गई हैं. ओवरसीज ब्लॉक के एडजेसेंट जो है एग्जीक्यूटिव ब्लॉक के लिए लैंड रिजर्व की गई है, यहाँ पर भी 5 मरला रेजिडेंशियल प्लॉट्स की कटिंग्स रखी गई हैं. और अगर आप एंड पे देखें तो ये स्पोर्ट्स डिस्ट्रिक्ट के बिल्कुल अपोजिट साइड पर जो एग्जीक्यूटिव ब्लॉक है वहाँ पर 5 मरला रेजिडेंशियल प्लॉट्स की कटिंग्स रखी गई हैं. सो व्यूअर्स, दिस वॉज इट फ्रॉम टुडे. अगर आपको लाहौर स्मार्ट सिटी में बुकिंग के हवाले से कुछ भी मालूम चाहिए तो मेरा नंबर टॉप लेफ्ट कॉर्नर पर अवेलेबल है, 0345777788. अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ डू लाइक, कमेंट एंड शेयर. अगली वीडियो तक के लिए शारे सीमा को दीजिए इजाज़त. अल्लाह हाफिज़.